कौन देखो, आहा तीव्र गति से अपना मसाज करवा रहा है। आहा गुड मॉर्निंग, दिस विशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। इस सुबह से यू में, और ये हमारा वैसे तो तीसरा दिन है। हम लोग पहले दिन तो आए थे तो ऑलमोस्ट शाम हो चुकी थी। कल का दिन हम लोगों ने थोड़ा सा इधर उधर देखा और आज हम जा रहे हैं ट्रेड सेंटर, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर ऑफ स्मॉल कॉमोडिटी। लेकिन अभी हम हमारे होटल में, हमारा ये स्टे विद ब्रेकफास्ट है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद सलाद। चलो वेजिटेबल्स तो है यहाँ पे, ये सब तो नॉन वेज होगा। पराठा है, राइस, नूडल्स, ये सब तो मेरे काम पर है। हाँ, स्वीट पोटैटो कॉर्न है, एग भी। तो मैंने ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स लिए हैं, लकीली कॉर्न है और ये बॉइल्ड है इसलिए कोई इशू नहीं है। और स्वीट पोटैटो है, रैम लविंग है, पीनट है तो प्रोटीन वोटीन मिल जाएगा। और बाकी हमने खाना तो वैसे अच्छा खासा कल खा ही लिया था। वेज मिल गया, आई एम हैप्पी विद दैट। ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में ही, लेकिन यहाँ पे भी लोग पत्ते एंजॉय करते हैं। वाह, हेलो हेलो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, और आपका स्वागत है वंस अगेन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में एक्सट्रीम रोड से। तो फिलहाल मैं हूँ यू में। यू बेसिकली पड़ता है जेजियांग में, और जेजियांग जो है वो ईस्टर्न कोस्टल प्रोविंस है चाइना का। और हम अभी सेंट्रल जेजियांग में हैं और जेनुआ ज्यूरिसडिक्शन इसको पड़ता है। तो बेसिकली हम जिस स्पॉट पर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्पॉट है वर्ल्ड के लिए, ओके? और हम लोग है अभी इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर फॉर स्मॉल कॉमोडिटीज। ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्मॉल कॉमोडिटी ट्रेड सेंटर है और यहाँ पे 5 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। आप इमेजिन कर सकते हैं, मेरे हिसाब, मतलब जितना मैंने रीड किया, 4 लाख से 5 लाख मीटर स्क्वायर जितना ये पूरा जो है एरिया है। इमेजिन कितना बड़ा एरिया है। और ये पूरे एरिया में 5 डिस्ट्रिक्ट में करीबन 1 लाख सप्लायर्स जो हैं यहाँ पर सेल करते हैं, और करीबन 70,000 यहाँ पे बुत है। लेकिन इसकी हिस्ट्री बहुत ही अमेजिंग रही है, रुकिए बताती हूँ। आप यहाँ देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट 3 ऊपर लिखा हुआ है, बहुत इजी आइडेंटिफाई करने के लिए। 65 शायद ये बिल्डिंग है। तो आपको 3-4 सेक्शन दिखाई देंगे, न्यू ईयर पेंटिंग, वॉल कैलेंडर। ये यू का चाइना कमोडिटी सिटी कुरियर सर्विस सेंटर है। बेसिकली प्रोडक्ट तो लेंगे, लेकिन इसकी कुरियर कैसे होगा वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो मैं बाद में बताती हूँ। बने रहिएगा एंड तक, बिकॉज ये बहुत इम्पॉर्टेंट ब्लॉग है। वेल, न्यू ईयर भी नज़दीक है, कैलेंडर्स तो होते ही हैं। यहाँ पे अलग अलग डिस्प्ले हैं 3D में है ये सारे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये टेबल कैलेंडर्स हैं, एंड बहुत ही बहुत डिफरेंट वेराइटीज़ के यहाँ दिखाई दे रहे हैं। 1000 पीस इसका है, हम लेते हैं ये वाला तो फिर उसका 4.5 पर पीस लगेगा। वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे डिफरेंट डिज़ाइन के लैंटर्न्स हैं, लेकिन ये सारी किड्स के लिए हैं, मतलब बच्चों के रूम में रखने के लिए और उस तरीके से। अच्छा, हाफ पीस प्राइस 3.81 पर पीस है, और होल पीस प्राइस है 3.61। आप देख रहे हैं यहाँ पे सारा जो भी सामान आपने सिलेक्ट किया है उसका बॉक्सेस यहाँ पे है। कुछ कुछ जो हैं सप्लाई, सी इट इज़ ऑल डिमांड एंड सप्लाई।
तो यहाँ पे सप्लायर्स सेंड करते हैं, अलग अलग कंट्री से भी सेंड करते हैं, अलग अलग सिटीज से सेंड करते हैं चाइना के, और यहाँ से जो अलग अलग कंट्री और सिटीज़ में जाते हैं वो भी कुरियर यहीं से डिस्पैच होता है, उसके लिए अलग अलग एजेंसीज यहीं पर हैं। ओके, तो अब हम दूसरे मतलब डिस्ट्रिक्ट 3 के ही दूसरे बिल्डिंग में जा रहे हैं। यहाँ पे 5 फ्लोर हैं और हमें जो इंटरेस्ट कर रहा है इसमें से वो है स्टेशनरी एंड स्पोर्ट्स आर्टिकल्स और पेन एंड इंक पेपर। गिफ्ट रैपर्स है, गिफ्ट के लिए आप को बैग्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस में है, कलर रेंज देखिए कितना सारा है यहाँ पे, पूरा पेन पेंसिल से लेकर के इवन मार्कर्स, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। ये हाइलाइटर्स पर पीस 0.5 होते हैं चाइनीज़ में, लेकिन अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 6 रुपये के आसपास पड़ेंगे। 5 कार्टन ओके, डिफरेंट डिफरेंट बट 5 कार्टन। यहाँ पे पेंटर्स के लिए, आर्टिस्ट के लिए है, बहुत सारे पेंट ब्रश है। ओके, 12 पर पीस एंड हाँ, व्हाट इज द क्वांटिटी, हाउ मच? 200 पर कार्टन। वाओ, फैक्ट्री सेल है यहाँ पर। यहाँ पे ग्लेयर्स मिल रहे हैं और आपके फ्रेम्स मिल रहे हैं। कम ऑन, लेट्स सी। ओके ओके, अच्छा यहाँ पे वन पीस भी देते हैं। वाइड रेंज है यहाँ पर, जो सनग्लासेस लेने आप ले सकते हैं। सो यू ऑल्सो सेल ब्रांड्स और नो? No brand name. Okay, it's just sunglasses. Yes, sunglasses. Okay. 70. 70. Approximate 800 rupees ke aaspas. Kaisa lag raha hai? Mera dil aap logo ke paas hai. Dil fake ke like karo aur subscribe bhi karo aur share bhi karo. If I buy 100 piece, then 25 yuan. Yes, sir. One piece, 70. Yes. Maine ye abhi dekha. Ye dekho, ye flexible hai. Aisa lens card pe bhi maine dekha hai. थोड़े डिज़ाइन आगे पीछे होते हैं, फ्रेम छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन सिमिलर है। 18 युआन मतलब अप्रॉक्सीमेट 200 रुपीज़ ऑन वन पीस। सेम सेम, हाँ देखिए, अगर इन केस आपके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तो आप अपने ग्लास दे दीजिए, वो रीड कर लेंगे यहाँ पे, और फिर आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, और फिर प्रोग्रेसिव भी ये बना करके देते हैं, देखते हैं कितने टाइम में बना के देते हैं। अगर आपको चेंज करना है कलर, फोटोक्रोमेटिक करना है, तो फिर आपको 6 से 7 दिन लगेंगे, और अगर आपको सिर्फ प्रोग्रेसिव बनाना है लेंस, तो आज के आज डिलीवर हो जाएगा। ओके, बेस्ट है, ऐसे कर सकते हैं, मतलब बच्चों को होता है ना कांडी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अच्छी क्वालिटी का है। अलग अलग रेंज है, आप आकर के पूछ सकते हैं। हमने सिंगल पीस यहाँ से एंड दिस ओपन्स अप लाइक दिस, और इसका बेस्ट पार्ट है ये ऐसे। हम अभी है डिस्ट्रिक्ट 3 में 67 सेक्शन में, और यहाँ पे सिर्फ ऑप्टिकल्स ही ऑप्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। सनग्लासेस के लिए या ग्लेयर्स या फिर आपके लेंस के ग्लास जो भी हैं उसके लिए, सारे ऑप्टिकल्स के लिए यहाँ पर केसेस हैं, बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल केसेस हैं। इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं, देखते हैं कितना रेट होता है। वन पीस हाउ मच? वन पीस नो 4.5 पर पीस एंड क्वांटिटी हाउ मच? 1 कार्टन 100 पीस। ओके, सो फॉर द फैशन फ्रीक्स, स्पोर्ट्स के लिए भी आपको सारे रेंज मिल जाएंगे। वाओ, दैट्स नाइस यार। डिफरेंट रेंज के जो है कॉन्टैक्ट लेंस के लिए केसेस हैं, ब्यूटिफुल है। बड़ा हैपनिंग सा लग रहा है ना डॉन? स्मॉल क्वांटिटी का भंडार है, भंडार, इतने वेरिएंट्स है, इतने वेरिएंट्स। वैसे यहाँ पर बेसिकली सप्लाई और डिमांड प्रॉपर दिखाई देती है, यहाँ की भी लोकल सिटी से और बाहर से भी आते हैं। बाप रे, इतना वाइड स्प्रेड, ये मतलब पूरा मॉल है 5 डिस्ट्रिक्ट का कि पूछिए मत। अब यहाँ पे देखिए पूरे स्केटिंग के अलग अलग वेरिएशंस हैं। ओके, दिस इज इन स्टॉक। ऑलराइट, सो इफ आई आस्क दिस वन,
हाउ मच इज दिस फॉर 48 सारे स्पोर्ट्स के आपको मिल जाएंगे प्रोडक्ट, बच्चों से लेकर के बड़ों के सबके। आपने अगर शंघाई का व्लॉग देखा है जो हम लोग गए थे, कहाँ गए थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी म्यूजियम के नीचे जो ग्राउंड में जो फेक मार्केट था वहाँ पे, तो वहाँ पे ये मसाजर देखा था हमने। ये मसाजर वहाँ पे 250 युआन का बताया था और यहाँ पे ये मतलब अगर थोक भाव में लेते हैं तो 48 युआन का है। स्नूकर बॉल है, बच्चों के लिए भी है। सारे जितने भी प्रचार आते हैं ना, वो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। Everything, स्कूटर्स हैं, स्केट्स हैं, ये है क्या बोलते हैं, स्केटिंग बोर्ड्स। वाओ, आपने देखा ना राज कपूर को बजाते हुए, तो नहीं आता लेकिन कुछ तो आवाज़ निकल रही है। नाइस यार, मेरे को अच्छा लगा ये। वेल, टूथब्रश, कॉस्मेटिक, हाउस होल्ड प्रोडक्ट इतने वेरियंट्स में है कि क्या बताऊँ। इवन ऑटोमेटिक टूथब्रश, बैटरी ऑपरेटेड टूथब्रश 5 युआन का, अगर आप एक पूरा कार्टन लेते हैं तो 180 आपको पीसेस लेने पड़ेंगे मिनिमम। ओह माय गॉड, इतना ह्यूज है कि क्या बताऊँ आपको। मतलब अगर पूरे 5 डिस्ट्रिक्ट में आप अगर घूमते हैं और 2-2 मिनट भी अगर एक शॉप पे आप जाते हैं तो 2 महीने भी कम लगेंगे एक्सप्लोर करने के लिए। अब आप कंपेयर कीजिए थोक मार्केट जो हमारे यहाँ पर होती है और इस मार्केट को, और ये इतनी क्लीन नीट है। और हर एक आप जो भी शोरूम मतलब हर एक शॉप में जाएंगे तो वो भी एकदम नीट क्लीन सजाया हुआ है। बैम्बू फैक्ट्री भी है, सारे किचन वेयर है, ये सारा किचन में रखने वाला सामान है, सब बैम्बू का बनाया हुआ है। दिस इज विंड शेड्स और इतने ब्यूटीफुल है ना कि क्या बताएं। सोचिए ना, ये प्लेन है 120 पीसेस, बिग साइज। जहाँ तक नजर जाए, आपको पता है डिस्ट्रिक्ट 1 से लेकर के डिस्ट्रिक्ट 5 तक में आज की तारीख में, मतलब शुरुआत हुई बेसिकली बहुत ही कम शॉप से, 1000 बुत से, लेकिन उसके बाद अब जाकर के जब 75,000 के आसपास बोलते हैं। ओके, इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की मैं हिस्ट्री अगर बताऊं आपको तो ये बेसिकली अर्ली चिंग डायनेस्टी के दौरान यहाँ पर ट्रेड किया जाता था। क्या पता है, स्मॉल ट्रेड होता था, चिकन के फेदर्स को एक्सचेंज किया जाता था शुगर के साथ। लेकिन जब कम्युनिस्ट पार्टी आई 1949 में तो उन्होंने बैन कर दिया ये और उन्होंने ये सेल ख़त्म कर दिया। उस उपरांत 1982 में जब दांग की मतलब लीडरशिप हुई, उसके बाद ये हुआ कि रिफॉर्मेशन कुछ चीज़ों की आई, लेकिन यहाँ पे एक सेक्रेटरी को नियुक्त किया गया था जिनका नाम था से कुआओ, मतलब मैं प्रोनाउंस में भी प्रॉपर नहीं कर रही हूँ, लेकिन उनको यहाँ पर रखा गया। तो यहाँ एक लेडी थी, उनका नाम था फेंग क्वियान। तो फेंग क्वियान ने कहा कि मैं अपनी कमोडिटी सेल करना चाहती हूँ लेकिन काउंटी ऑफिसर्स मुझे सेल नहीं करने देते, मैं बहुत ही गरीब हूँ और मैं अपना घर नहीं पाल सकती हूँ। तो वहाँ पर रिफॉर्मेशन आया बस वहीं से, और उन्होंने जा कर के वेंजोंग में जा कर के वहाँ पे सप्लायर्स से बातें की, और उसके बाद यू में उन्होंने 1000 बुत का पहले शुरू किया कि यहाँ पे 1000 बुत रखे जाएँ। और यही इन्फॉर्मेशन है यू के इंटरनेशनल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर होने का, जो कि आज लार्जेस्ट यहाँ पे जो तामझाम दिखाई दे रहा है ना, वो सारा शुरू हुआ है 1982 के बाद। और ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है इतना बड़ा, वो 2001 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ,
और उस उपरांत 2002 अक्टूबर में कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ। धीरे 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 बढ़ते बढ़ते आज की तारीख में आपको डिस्ट्रिक्ट 1 से लेकर के डिस्ट्रिक्ट 5 तक सारी स्मॉल कॉमोडिटीज़ यहाँ पर मिलती हैं। एंड दिस इज समथिंग रियली कमेंडेबल कि आज दुनिया भर में जो स्मॉल क्वांटिटी मतलब स्मॉल कॉमोडिटी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं ना, वो सारे प्रोडक्ट्स बेसिकली चाइना से जाते हैं। जब डिस्ट्रिक्ट 1 बना था तब उसका एरिया जो है वो अराउंड 340,000 मीटर स्क्वायर में है। धीरे धीरे जब डिस्ट्रिक्ट 2 बना तो 600,000 मीटर स्क्वायर में हुआ। 3 और 4 साथ में हैं लेकिन ये 640,000 स्क्वायर मीटर में हैं, प्लस इसका जो फ्लोरिंग स्पेस है वो 1,700,000 प्लस में है। जस्ट इमेजिन हाउ ह्यूज। और अगेन फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट है इसके आगे, वो अराउंड 600,000 मीटर स्क्वायर में है और 7,000 उसमें बुत है। सोचिए इतने सारे शॉप, इतने सारे मतलब वाइड स्प्रेड जोन में फैला हुआ ये है, तो वहाँ कितना पार्किंग स्पेस चाहिए और कितने बाइक साइकिल कंटिन्यूस जा रहे हैं। और कार्गो का भी सिस्टम है, वो मैं बताऊंगी कि किस तरीके से होता है यहाँ पर। देखिए स्मॉल बिग क्वांटिटी में जाता है सामान, चाहे वो इंटरसिटी में जा रहा हो चाहे बाहर जा रहा हो। लेकिन यहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग है, बहुत ही ह्यूज है। एक अच्छा है यहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस करने में आपकी एक्सरसाइज हो जाती है। एंड द बेस्ट पार्ट, सब लोग रुक जाते हैं, सारी जो कार आती है यू टर्न लेती है। हम अभी डिस्ट्रिक्ट 3 में हैं, 1F है, 2F है और बाकी 5 फ्लोर ऊपर है। ये जेजियांग मेड ब्रांड बिल्डिंग फंक्शन सेंटर है। ओके, तो हम लोग अभी कॉस्मेटिक सेक्शन में है 3rd फ्लोर पर, लेकिन यहाँ पर जो है बटन जिपर्स भी मिल रहे हैं, बीड्स मिल रहे हैं, वाओ बकल्स हैं ये सारे अलग अलग वैराइटीज़ के, गुची, डियोर, ऑल ब्रांड्स, डिफरेंट डिज़ाइंस ऑफ बीड्स फॉर शूज, वैराइटीज़ ऑफ जिपर्स हैं यहाँ, जिसका मुझे था इंतज़ार। चलिए आई है वो घड़ी। यहाँ पर मिरर्स हैं जिसके बिना अपना काम नहीं चलता है। ये सारे जिस पर लॉरियल, लैक्मी सब चीज़ें लिखी हुई रहती हैं, इवन काया वेगा। ये देखो बहुआ के लिए कौन, सारे वुडन के भी यहाँ पे हैंडमेड है सारे। मीन्स आप सोच नहीं सकते हो उतने वैरायटीज हैं मिरर की। ऑल आर मिरर्स, कीचेन मिरर, पॉकेट मिरर। 5 कार्टन मिनिमम लेने पड़ेंगे, एक कार्टन में 360 पीसेस होते हैं और 4.2 युआन का है एक पीस। तो हम एंटर कर रहे हैं उस मेकओवर के अंदर जो चेहरा बदल देता है। तो ये पूरा कॉस्मेटिक जोन है, यहाँ पे आपको आईलैशेस मिलेंगे डिफरेंट वेराइटीज़ के। मिहा ओके, तो 20 डिफरेंट वेरियंट्स है इसमें, 20 पेयर्स हैं 2 स्टाइल के, और ये पूरा बॉक्स जो है वो आपको 14 युआन में मिलेगा। एनए ब्यूटी पे हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे आपको मिलेगी लिपस्टिक्स एंड आईलाइनर। मिहा पूरा आपको मेकअप सेट्स एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट। 5 युआन का है, ये आई शेडोज हैं और अराउंड 288 पीस एक कार्टन में लेना मतलब पड़ता है। लोग जो हैं यहाँ से लेते हैं, ब्रांड नेम चेंज करते हैं और फिर हमें पेश करते हैं। ओके गाइस, हमारे हेयर को कलर की बहुत ज़रूरत है राइट। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है डिफरेंट वेरिएंट है, ये एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट है। मैं ये नहीं बोलूँगी बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है, लेकिन अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ प्राइस में यहाँ पर, तो इसमें जितनी चीज़ें होती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसमें डेवलपर है, ठीक है, डेवलपर है, कलर है और 2 कंडीशनर इसमें दिए हुए हैं और कोम है, तो इतनी चीज़ें अगर होंगी तो 3.8 युआन लगेगा
वन पीस का, और मिनिमम आपको 30,000 पीस आपको ऑर्डर करने पड़ेंगे। और अगर आप ये वाला प्रोडक्ट लेते हैं जिसके अंदर एक कंडीशनर है, कोम नहीं है, तो 3.5 युआन उसके लगेंगे। तो क्वांटिटी उतनी ही आपको ऑर्डर करनी है। ये सारे शक्ल अगर देखेंगे आप तो शक्ल में भी चेंज भी हो, प्रिंट चेंज हो सकता है, प्रोडक्ट ये होते हैं और उस पे मतलब ब्रांड का नाम आ जाता है और फिर हमें सेल किया जाता है। वाओ, फरेरो रोशर खाते हुए मैं निकल रही हूँ। इंडिया से आते हैं यहाँ पे तो ज़्यादातर लोगों को चीप प्रोडक्ट्स लेने में इंटरेस्ट होता है, जितना सस्ता मिल जाए, लेकिन यहाँ पर अच्छी क्वालिटी भी मिलती है। बार-बार के शॉप में भी फीलिंग हो ही होनी चाहिए। नशे की, हर डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट डिफरेंट गेट्स हैं और हर गेट से अंदर आते हैं, 5 फ्लोर तो होते हैं, किसी में 2 अंडरग्राउंड होते हैं, जैसे 3 और 4 में। और यहाँ पे आपको मेंशन होता है जस्ट टू आइडेंटिफाई, कभी आपको ध्यान ना रहे कुछ है, तो यहाँ पे स्ट्रीट का नंबर दिया हुआ है और कौन से फ्लोर पे है। डिफरेंट प्रकार के कोम, शैम्पू, कंडीशनर, बॉडी लोशन हमें ज़रूरत है, क्योंकि हमारी हर चीज़ चाइना की बनी हुई चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हमारा आईफोन हो, चाहे हमारा आईफोन का कवर हो, चाहे स्मॉल कोई भी कमोडिटीज़ हो, ये सारा चाइना से आता है। तो अब हम आ गए हैं स्पोर्ट्स सेक्शन में। ये 4th फ्लोर पे है, डिस्ट्रिक्ट 3 में और कॉस्मेटिक्स के जस्ट ऊपर। ओके, और डंबल से लेकर के आपको मसाजर्स और एवरीथिंग यू विल गेट, जिम का सारा सामान यहाँ पर है, छोटे से लेकर बड़ा, एवरीथिंग। डॉन यहाँ पे अपने एक्सपीरियंसेस बताएगा। हाँ, मतलब मुझे मसाज से बेहतर कुछ नहीं लगता है। सो सबसे पहले मैंने यहाँ लिया भी तो वो मैंने लिया हेड मसाज। पूरा दर्द जो है, इंटेंसिटी, शोल्डर एयरबैग, हैंड एयरबैग, लेग एयरबैग, मैनुअल मसाज, स्ट्रेंथ, विड्थ एडजस्टमेंट, एयरबैग्स भी है। इसमें हर एक मसाज का अलग अलग ये होगा बटन। ओके डॉन, अगर आपको बाय करना है तो 3,500 युआन में मिल जाएगा। इट्स नॉट बैड यार, बट हाउ कैन, मतलब कैसे आएगा शिपिंग का वो? हाँ, शिपिंग का चार्ज आपको पे करना पड़ेगा, बाकी शिप हो जाएगा। हाँ, तो शिप होगा, फिर उस पे कस्टम लगेगा। अरे लगेगा। हाँ, तो उसको पूछते हैं कि कितना हो जाता है नॉर्मली। 85,000 में मिलता है, तो ये ज्यादा ज्यादा 50 का होगा। Maybe, ये ट्रेडमिल बेस्ट ट्रेडमिल है जो इस शॉप में है, और मैंने पूछा कितना रेट है तो 8,000 युआन का है, मतलब अप्रोक्सीमेट 90,000 रुपीज इंडिया के। अलग अलग डिजाइन की पेंस, वाओ। ओके, यहाँ पर आप वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के आसपास आपको होटल्स मिल जाएंगी, एग्जैक्ट डिस्ट्रिक्ट 3 और 2 के सामने पूरा रेस्टोरेंट का हब है जहाँ पे सब कुछ मिलता है। हाँ, वेजिटेरियन के लिए थोड़ा ऐसा इशू वहाँ होता है, लेकिन कोई बहुत डरने वाली बात नहीं है, मैंने उसका भी व्लॉग बनाया है। तो आप समझ लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट 2 के तरफ जाएंगे तो अपोजिट साइड पे आपको रेस्टोरेंट्स बहुत सारे मिल जाएंगे, इंडियन रेस्टोरेंट, वेज नॉन वेज दोनों। ओके गाइस, गुड मॉर्निंग वंस अगेन फ्रॉम यू। मैं हूँ इंटरनेशनल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर। हमने एक दिन में तो पूरा कंप्लीट हो नहीं सकता था, हमने 5, 4, 3 डिस्ट्रिक्ट किए थे, कुल 5 डिस्ट्रिक्ट है। और ये जो इंटरनेशनल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है वो बहुत ह्यूज है, तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन सेकंड और फर्स्ट हम आज करेंगे, तो चलते हैं। ओके, ये जो चीज़ आप देख रहे हो ना, ये बेसिकली यहाँ पे जो मैप दिया गया है, लेआउट, वो डिस्ट्रिक्ट 2 का है और हर डिस्ट्रिक्ट को इंटरकनेक्टेड किया गया है। एक्चुअल में अपना होटल इधर 3 पे आ जाता है। एक्चुअली क्या है कि जो ये चेंगेबाई रोड जो आपको मिल रहा है, इसी रोड पे इंडियन रेस्टोरेंट है, तो इंडियन रेस्टोरेंट के बगल से शुरू होता है डिस्ट्रिक्ट 1, डिस्ट्रिक्ट 2, 3, 4, 5 और नीचे जो है ये सारी क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। ओके गाइस, तो हम लोग हैं 3rd फ्लोर पर और 3rd फ्लोर पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम्स मिलेंगी, बाकी आपको वॉचेस मिलेंगे एंड इवन आपको टॉयज़ भी मिलेंगे। चलते हैं। वैसे आपको 8 बजे से लेके 5 बजे तक यहाँ पे शॉप्स ओपन होती है, 5 बजे एकदम शट डाउन हो जाती है, तो आना है तो पहले ही आ जाइए।
इधर कितना भी टाइम दे इनफ नहीं है। ओके यहाँ पे अभी जस्ट शॉप ओपन की है, यहाँ पे आपको सिर्फ बैटरीज ही बैटरीज मिलेंगी। अगर आपको बैटरीज लेनी है तो 1440 एक कार्टन में आएंगी और 0.26 युआन यहाँ का कॉस्ट लगेगा। यहाँ पे लाइटर्स की रेंज है, मतलब जो डिज़ाइन पसंद करो, इवन गिफ्ट पैक। लेकिन अदरवाइज यहाँ पे लाइटर्स की रेंज है, मतलब जो डिज़ाइन पसंद करो, इवन गिफ्ट पैक्स है। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा की रेंज है। हाँ राफ्टर्स भी है और आपको बच्चों के कैमरास भी मिल जाएंगे। इसमें पानी है। इस यू मार्केट में मैंने काफ़ी हद तक कवर करने की कोशिश की है, लेकिन बीच में ही हमारा ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो बाकी की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट वॉइस ओवर से देखते हैं। यहाँ सोलर पावर बैंक, छोटे बड़े स्पीकर विथ ब्रांड टैग्स। यहाँ मुझे सबसे छोटा स्पीकर मिला जो आप अपनी जेब में डालकर भी ले जा सकते हैं। हजारों प्रकार के मोबाइल चार्जर्स जिसकी कीमत ₹5 से ₹500 है। अनगिनत लेजर लाइट वाली पेन ₹25 से ₹2000 तक की। माइंड ब्लोइंग हेडफोन्स देखते ही लगा कि सभी में से एक एक उठा लिया जाए। हेडफोन ₹50 में भी थी और 8000 से 9000 की भी। अगर मेरी इंडिया की रिटर्न टिकट यू से होती ना तो मैं 10 हेडफोन्स लेकर ही जाती। यहाँ पे सभी प्रकार के फोटोग्राफिक इक्विपमेंट्स भी मिल रहे थे। ट्राइपॉड, लाइट, सॉफ्ट बॉक्स, 200-200 के इलेक्ट्रिक शेवर्स और भाई साहब क्वालिटी भी जोरदार। ये था सबसे शानदार डिस्प्ले जो आपके कंपनी लोगों को प्रेजेंट करने के काम में आता है, और इसमें आप कई सारी 3D चीजें डिस्प्ले कर सकते हैं। जब मोबाइल देखते देखते आपकी आंखें स्ट्रेस्ड हो जाएं, तो आप अपने आंखों के लिए मसाजर भी ले सकते हैं। 2 मिनट में रिलैक्स कर देता है। एक दुकान तो वैरायटी के आयरन बेच रही थी, जो फीचर्स चाहिए वो आपको मिलेंगे सिर्फ ₹100 से 5000 तक में। Well, काफ़ी सारा वॉक हो गया आज, काफ़ी एक्सरसाइज हो गई। डिस्ट्रिक्ट 3 से हम लोग निकले हैं, 3 और 4 काफ़ी ह्यूज है। वैसे तो सारे डिस्ट्रिक्ट काफ़ी लंबे चौड़े हैं, सब जगह जाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन हाँ दुनिया जहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं, अपने प्रोडक्ट भी यहाँ देते हैं दूसरे लोगों को बेचने के लिए, और यहाँ के लोगों के भी प्रोडक्ट बाहर जाते हैं। तो दिस वॉज इंटरनेशनल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मेरी नज़रों से। चेक कर लीजिए कौन सा प्रोडक्ट आपको चाहिए, कितने क्वांटिटी में चाहिए, उसके कार्टन्स ये लोग ही पैक कर लेंगे, और शिपमेंट जो है उसकी एजेंसी, चाहे आप बुक करें या उन लोगों के कॉन्टैक्ट से बुक करना चाहें, रेट्स फिक्स हो जाते हैं और आपको बता देते हैं कि कितना होगा CMV, और उस तरीके से फिर शिपमेंट इंटरकनेक्टेड हो जाती है इंडिया के साथ, और इंडिया की एजेंसी के साथ उनका अपना टाइप होता है, और आपके घर तक, मतलब आपके शॉप तक आपका सामान जाता है। कुछ कुछ होते हैं जिसमें आपको खुद लेना है तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है आपके शॉप तक सामान पहुंच जाता है। आपको यहाँ पर इस तरीके के बोर्ड दिखाई देंगे, यू एवर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड, डोर टू डोर बाय एयर एंड सी विद कस्टम क्लियरेंस। तो इस तरीके के आपको बहुत सारे यहाँ पे मिलेंगे शॉप्स। देखिए ऑफिसेज यहाँ पर भी है। ओके गाइस, तो अभी एक चीज़ है कि आप लोग ये भी सोचते होंगे कि ये लोग तो चाइनीज़ में बोलते हैं, तो हम लोग डील किस तरीके से करेंगे। तो है तो आसान, आज अगर आपने मेरा ट्रेड सेंटर का ब्लॉग देखा होगा तो उसमें कैसे कम्युनिकेट करते हो तो पता चल गया, हम भी गूगल से कर सकते हैं ट्रांसलेशन। लेकिन अदरवाइज़ आप यहाँ पे काफ़ी एजेंट होते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं थ्रू आउट, कौन से शॉप से ले सकते हैं आप, क्या ले सकते हैं, आपको किस क्वालिटी का चाहिए, आप उससे एक्सचेंज कर लेंगे बात, तो आपका पूरा काम हो जाएगा।